नमस्कार, न्यूज टूडे इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप लोग इस्लामपुर महकुमा शासक के दफ्तर से, और आप सभी को बताना चाहेंगे जिला परिषद नंबर 12 चाकुलिया ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है यह, जहां से जूही परवीन जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन कर रहे हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे मुस्तफ़ा साहब जो कि चाकुलिया के काफ़ी जो है वरिष्ठ जो है कांग्रेस के नेतृत्व हैं, काफ़ी दिनों से जो है चाकुलिया के कांग्रेस के नेतृत्व के साथ जुड़े हुए हैं, आज जो है खुद आए हैं इस्लामपुर महकमा शासक के दफ्तर और जो है जूही परवीन का जो है नॉमिनेशन करवाने के लिए इस वक्त यहाँ पर आए हैं। क्या विषय है, सारे विषयों को लेकर अवश्य जो है हम लोग मुस्तफ़ा साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जो प्रत्याशी हैं जूही परवीन उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिला परिषद नंबर 12 से नॉमिनेशन कराए हैं, किनका कराए हैं और कांग्रेस से कराए हैं, क्या नाम है उनका? मेरा कैंडिडेट का नाम है जूही परवीन, ये मेरी बहू है, मझला बेटा से अभी शादी हुई है और वो इस्लामपुर की ही रहने वाली है। अच्छा। और हम लोग जिला परिषद में पहली बार इसको उतार रहे हैं क्योंकि ये रिजर्व था ओबीसी वुमेन, इसलिए बहुत कोई उतार रहे हैं। काफ़ी दिनों से चाकुलिया के राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, अभी शासक दल तृणमूल कांग्रेस का वहां पर राजत्व है, कितना कारगर कर पाएंगे, कितना लड़ाई कर पाएंगे, जीतने के लिए कितना प्रतिशत आप लोग आशावादी हैं? हम लोग 100% आशावादी हैं, सीट हम जीतेंगे, जिस सीट से हम फाइल करवाए मेरी बहू को परवीन को, वो सीट में हम 2008 में जीते हुए थे और जीतने के बाद जिला परिषद में एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी थे, जिससे अच्छा खासा मेरा परिचय है, वहाँ लोग मुझे बहुत मानते हैं, ऑन पब्लिक डिमांड ही हमको वहाँ लड़ना पड़ा और हम अपनी बहू को वहाँ से लड़ा रहे हैं। इस साल यानी कि 2023 के पंचायत चुनाव में मेन क्या मुद्दा होगा? चाकुलिया अभी भी जो है पिछड़ा हुआ इलाके के तौर पे जाना जाता है, तो इस पंचायत चुनाव में आप लोगों की ओर से मेन क्या मुद्दा होगा कैंपेनिंग में? हम लोगों का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, पंचायत में हम लोग दुर्नीति मुक्त पंचायत बनाएंगे, ताकि लोगों को, गरीब को, किसान को, महिलाओं को, जो उनकी सरकार की तरफ से उनका जो पावना है उसको उन तक पहुंचा दे हमारे प्रतिनिधि, हमारे पंचायत के सदस्य, हमारे जिला परिषद के सदस्य मेहनत करे, काम करे और लोगों से जुड़े। हमारे राहुल जी का जो कहना है, हाँ, भारत को जोड़ो नफरत छोड़ो, वो नफरत हटा के हम लोग गांव-गांव में हर शख्स को एक दूसरे से जोड़ेंगे और मोहब्बत का पैगाम लाएंगे और हमारा जो पंचायत है उसमें दुर्नीति मुक्त हम लोग करेंगे। देखा जा रहा है लगभग उत्तर दिनाजपुर जिले के हर सीट पे जो है कांग्रेस जो है जिला परिषद पद के लिए प्रत्याशी दे रहे हैं, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे चाकुलिया के जिला परिषद 12 का जो वोटर हैं या फिर वहाँ पर जो आम जनता साधारण व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस साल के पंचायत चुनाव को लेकर? मैसेज यही है, जो वो बहुत बार ठगे गए हैं, ये सरकार तृणमूल की सरकार जब से आई है उसका हक, उसके लिए जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं उन तक नहीं जाता है, बल्कि जिसको वो वोट दे के चुने थे वही उसको हजम कर जाता है, यहाँ तक कि उसका जो अपना पौना है वो जानता भी नहीं था जो कौन कौन काम उसका हुआ कहाँ हुआ, जो हमारा अवाम है, किसान है, उसके हक के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। जब RTI करके पता चला तब ये पता चला कि बहुत ही किसान के ज़मीन को जो है लैंड डेबिट कराया गया, लेकिन उसको पता नहीं, उसका पैसा उठा के खा लिया, पोखर खोदने के नाम पर, तालाब बनाने के नाम पर लाखों लाख रुपया उठा के लोग हजम कर गए, जो जिसका नाम से वो आया था उसको पता नहीं, जॉब कार्ड जो लेबर के लिए आया था उसके नाम पर पैसे ऐसे ही उठा लिए गए, उसका उनको पता नहीं। तो हम लोग इस करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, कांग्रेस उसको हटाएगी, करप्शन मुक्त पंचायत हम लोग बनाएंगे। ठीक ठीक हम लोग जूही परवीन से बातचीत करने, कैसा लग रहा है पहली बार राजनीति में उतरे हैं, राजनीति के मैदान में उतरे हैं, जिला परिषद के कांग्रेस की ओर से आप प्रत्याशी हुए हैं, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए? अच्छा लग रहा है। कितना आशावादी है जीतने के लिए आप? क्या मुद्दा होगा, किन किन मुद्दों को लेकर गांव-गांव जाएंगे, आम जनता वोटर के पास जाएंगे? बहुत बहुत आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी को बताना चाहेंगे कांग्रेस जो है चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र में खास करके जो है जिला परिषद पद को लेकर जो है काफ़ी आशंका की हुई है कि कम से कम लड़ाई जो है कड़ी होने वाली है, साथ ही साथ बताना चाहेंगे एक एक करके इस्लामपुर महकुमा के लगभग हर जिला परिषद सीट पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है एक एक करके नामांकन भर रहे हैं, और चाकुलिया जो कि एक पिछड़े जगह के तौर पर जो है अभी भी जाना जाता है, वहाँ पर इस साल 2023 के चुनाव में जो है एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस पहली बार जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करने की, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अतर हुसैन है, कैंडिडेट है उसका हस्बैंड है। ये भी हम लोग नॉमिनेशन करके आए हैं। कितना आशावादी है इस साल चुनाव में आप लोग जीतने के? पूरी तरह से उम्मीद लेकर के ही आए हैं हम लोग। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और नए लोग जुड़ रहे हैं, हम लोग आए हैं इस तरह के तौर पर, और उम्मीद करते हैं कि जितने यूथ है, जितने सारे जमीन में वो सब हमसे जुड़ेंगे। आपके पिताजी काफी दिनों से जो है जुड़े हुए हैं राजनीति के साथ, वरिष्ठ, तो उनका जो एक्सपीरियंस है कितना कारगर होगा, कितना काम में आएगा आप लोगों के? बेशक वो तो फायदेमंद रहेगा ही हम लोग के लिए, उन्हीं के एक्सपीरियंस, उन्हीं के जो राजनीति जो तो करते आए हैं जिस तर्ज पे, उसी को हम लोग को आगे बढ़ाने का काम करना होगा, हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुद्दा क्या होगा इस साल जिला परिषद 12 में आपकी? जरूरत नहीं पड़ रही है, हम लोग गाँव जा रहे हैं, लोग कुछ मुद्दा दे रहे हैं हम लोग को, कहीं पानी का प्रॉब्लम है, कहीं रोड का प्रॉब्लम है, कहीं ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, हर जगह हर तरह का प्रॉब्लम है। आप जाते होंगे इलाके में, आप जाके देखिए, एक एक रोड की बदहाली, एक एक गांव की बदहाली को देखिए, वो कवर कीजिए, पता चलेगा। मुद्दा हम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं, लोग खुद मुद्दा दे रहे हैं। जबरदस्त आपसे जानने की कोशिश करेंगे, वरिष्ठ नेता के तौर पे जाने जाते हैं मुस्तफा साहब, और कांग्रेस जो है पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं इस बार जो पंचायत चुनाव है उसमें, चाकुलिया विधानसभा में खास करके, वहां पर जो है कम से कम कांग्रेस पूरी तरह से जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्या जो है एक बार फिर से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे मुस्तफा साहब के साथ? যে বিষয়টা বলবো সব থেকে বড় কথা হচ্ছে চাকুলিয়া এমন একটা বিধানসভা, যে বিধানসভাতে দীর্ঘদিন সেখানে কিন্তু বাম শাসন ছিল, ঠিক সেই সময়কালে ডানপন্থী রাজনীতি যারা করতেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুস্তাফা সাহেব, অভিজ্ঞ শিক্ষক বলে পরিচিত, এলাকায় ভালো মানুষ বলে পরিচিত, তারই বৌমা যিনি আছেন তিনি কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ZP-12 অর্থাৎ 12 নম্বর সিটে হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আমরা কথা বলবো মুস্তাফা সাহেবের সঙ্গে কি কি বিষয় এবং আরেকবার জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করব। বললাম যে রাজনীতিতে বড়রা সবসময় গুরু হয়, তো সেক্ষেত্রে আজকে বৌমা এবং ছেলে তারা নমিনেশনস করতে হয়েছে বৌমা প্রার্থী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, তো রাজনৈতিক শিক্ষাগুরু কি আপনি? অবশ্যই অবশ্যই, দীর্ঘ 45 বছর কংগ্রেসের সাথে যুক্ত থেকে মানুষের জন্য কাজ করে এসেছি। আজকে পঞ্চায়েতে জেলা পরিষদে যে সিট আমার সিট, সেই সিটটা এখন রিজার্ভ হয়েছে ফর ওমেন, ওবিসি ওমেন, তাই আমার বৌমাকে ওখানে নামিয়েছি। আমার অ্যাবসেন্সে আগামী দিনে আমার ছেলে আমার বৌমারা মানুষের পরিষেবা দেবে, মানুষের সাথে থাকবে, কাজের দুঃখ কষ্ট তারা দেখবে, তাই আজকে জেলা পরিষদে তাদেরকে নামানো হয়েছে। কংগ্রেসের প্রতীক নিয়ে লড়াই করবে, মানুষের আশীর্বাদ নেবে এবং তাদের পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকার করে তারা রাজ্য দিতে পারবে। হাতে কে আছেন আপনার মানে এই সময়টা হাতে নমিনেশনে কারা কারা এসছে? আমার কাছে অন্তর্গত যারা রাজনৈতিক অভিজ্ঞ মানুষ তারা এসছেন। আমার প্রপোজার হিসাবে এসছেন জারুল ইসলাম সর্জাপুরের, দীর্ঘদিনের কংগ্রেসের নেতা, রিটায়ার্ড কনফেডারেশনের লিডার, এবং তাছাড়া হেমন্ত সাহা, উনিও আমাদের যারা আমাদের ব্লকের বরিষ্ঠ কংগ্রেসের নেতা, ওনারা সবাই এসছেন। আরও লোক এসেছেন, গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় একটা ভূমিকা পালন করে সেটার আবার প্রয়োজন রয়েছে, কী বলবেন বর্তমানে? আমরা দুর্নীতি মুক্ত পঞ্চায়েত গড়ার জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করব এবং আশা করছি আমরা জেলা দখল করব আমরা, এবং পঞ্চায়েত থেকে যত দুর্নীতি যেটা হয়েছে এতদিনে সেটা মুক্তভাবে আমরা এই পঞ্চায়েতটা করব। এখানে দুর্নীতি হতে দেব না, আমরা দুর্নীতি করব না, এটা আমাদের অ্যাসিওরেন্স, যাতে জনগণ লাভবান হয়, লোকে যেন কোনো অসুবিধা মানে ভোগ না করে। ঠিক, ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের জানিয়ে দিই কংগ্রেসের ZP-12 অর্থাৎ 12 নম্বর থেকে একদিকে যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের রোজিনা বানু আজকে নমিনেশন ফাইল করলো, তেমনি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বর্তমানে বলা চলে যে বিকল্প মুখ হচ্ছে কংগ্রেস হয়ে উঠেছে গোটা রাজ্য রাজনীতি বা দেশের রাজনীতিতে। সেখানে কংগ্রেসের মুস্তফা কামাল, যিনি সেই এলাকার একজন পোড় খাওয়া কংগ্রেস নেতা, ডানপন্থী নেতা এবং এলাকায় মিষ্টভাষী বলে পরিচিত, সমাজ সংস্কারক বলে পরিচিত, তারই হচ্ছে বৌমা, তিনি কিন্তু আজকে প্রার্থী পদে এখানে মনোনয়ন পেশ করলেন। আরও কারা কারা মনোনয়ন পেশ করছে তা দেখতে হলে জুড়ে থাকতে হবে নিউজ টুডে ইন্ডিয়ায়, কারণ নিউজ টুডে ইন্ডিয়া মতলব সবসে পহলে সবসে তেজ, দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল।